और इस प्रदेश की आप ऐसी सेवा करें जिससे कि यहाँ की प्रत्येक जनता, प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सके, श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। ऐसे ही मैं आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी उनको हार्दिक आशीर्वाद देता हुआ कल्याण कामना करता हूँ। हमारे बीच में को बैठने नहीं दूंगा, उससे पहले आपका मंत्र जाप हो जाना चाहिए। 9 बज सकते हैं, फिर मैं शाम को 6 बजे आऊं, रात को 12 बजे आऊं, ये तो मेरी मर्जी की बात है। आप मुझे बातें तो कर ही नहीं सकते, ये तो मेरी मौज है। मगर मैं जब कह रहा हूँ 8:60 पे आ जाऊंगा तो 8:60 पर आ ही जाऊंगा, उसको 9 बजे कहते हैं। उसके लिए श्रीवास्तव और ये अपनी तरफ से उपहार स्वरूप होगी। तो कह रहे बैठ जाइए सभी लोग। आप अपने जगह बैठे बैठे ही बोलेंगे, हम बैठे बैठे अपने शब्दों से उनके चरणों में प्रणाम कर लेंगे। सर्वप्रभु जुनेव की जय, सर्वप्रभु जुनेव की जय, सर्वप्रभु जुनेव की जय, सांसद सर परिवार की जय, आज के आनंद की जय, आज के पर 3-4 माता जी की छोटे गुरुदेव की संसाधन परिवार की हर हर महादेव। बाइक देखो तो बैठ जाए अपने स्थान पर, आप लोग बैठ जाए। ये तो मतलब यही बैठे बुला लेके ना लगा लो। लगाना पड़ेगा, कैमरा देखो पहले कैसा। हाँ बांध दो, ऐसे कैमरा देखने आएगा नहीं है। हाँ जी, क्या भीगा भीगा आज का जो सभा है यह इस बात का प्रतीक है कि वास्तव में संक्रांति काल उपस्थित हो गया। यह इस बात का प्रतीक है कि 1 तारीख को जो रात्रि के बाद 4:22 पर जब धर्म पूजपाल गुरुदेव जी ने जो दृश्य उपस्थित किया था राज्याभिषेक दीक्षा के माध्यम से, वह दृश्य लोगों ने आंख बंद करके देखा था और आज आप वही दृश्य आंख खोल करके देख रहे हैं। इसीलिए जोर से जय घोष बोलना है सभी व्यक्तियों को। अभी कसर है परिवार की दादा गुरुदेव की, स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, परिवार की, आज
करते रहेंगे, हम देवता बनते रहेंगे और साधनाएं करता रहेंगे और सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ज्यादा बरसात होगी ये तो घंटे दो घंटे बाद इंद्र को अपने आप सोचना पड़ेगा, और फिर भी ज्यादा बरसात हुई तो मैं इस मंच को छोड़ दूंगा, बीच में आके खड़ा हूंगा आपके बीच में, और बीगता हुआ ही आपको साधना शुरू करूंगा। क्या खाक जिएगा और मरा हुआ व्यक्ति क्या खाक साधक बनेगा? जो चुनौतियां लेगा, जो चुनौतियां झेलेगा, आप तो चलिए वो नहीं कर सकते, साधक नहीं हो सकते, साधक दूसरी चीज होती है। मेरा परिश्रम बेकार नहीं गया, अच्छा इसलिए लगा कि मेरे सामने जो व्यक्ति है वो चट्टान है, फौलाद है, जो छोटी छोटी तूफानों से, छोटी छोटी हवाओं से, छोटी छोटी बूंदों से घबराते नहीं, वो हम करेंगे ही। और सार्थक करें, आपको न बुखार आएगा, न आपको जुकाम होगा, न आपको तकलीफ होगी,
और न भीगने पर किसी प्रकार कष्ट होगा, ये मैं आपको वायदा करता हूँ, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये देखिए क्या भोपाल में है, ऊपर टेंट बना हुआ है, आप बैठे हुए हैं। ये थोड़ा साल भर और बिताए होता तो मैं आपको हिमालय में ले जाता और ले जाऊंगा, मां ना टेंट होगा, ना लाइट होगी, ना माइक होगा, होगा ही नहीं। और बरसात होगी नहीं, वहां बरसात आ जाए तो वो जीतता है, हम जीतते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हम जीतेंगे, गारंटी के साथ जीतेंगे। मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व परसों जब आया था तभी सोच लिया था कि एक बार तो परीक्षा होगी ही होगी। पिछली बार भी अमृत महोत्सव हुआ था तो जो एक टेंट लगाया, तूफान आया, आंधी आई और सारा टेंट समाप्त हो गया, लाइटें समाप्त हो गई। होंगे मैं सभी साधकों को एक साधक एक और चीज होती है, श्रोता एक और चीज होती है, भीड़ एक और चीज होती है। जो भीड़ थी वो छटक कहीं छटक करके बैठी होगी, जो श्रोता होंगे वही दुबक करके बैठे होंगे, जो साधक है वो चट्टान की तरह चीजा ठोक करके मेरे सामने बैठे हुए हैं। एहसास करवा रहे हैं, मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं, ऐसा विश्वास करा रहे हैं। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।